माननीय सभापति महोदय, आज मैं विशेष रूप से इस सदन की माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस सदन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के सिलसिले में चर्चा करने के लिए हमें समय दी है। और आज इस डिस्कशन में कई माननीय सांसद ने भाग लिया और उन लोगों ने अपनी बात रखी, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन लोगों ने अपने चिंता व्यक्त की। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है, मैं कोई एग्जेजरेशन करने के लिए नहीं उठा हूं, जो हकीकत में बताने जा रहा हूं। आप सबको मालूम है, देश की जनता की आशीर्वाद से हमें 5 साल का असम के चीफ मिनिस्टर के पद में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से, सहयोग से, पार्टी के सहयोग से और असम की जनता के सहयोग से मुझे 5 साल, आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला। इन दिनों में मैंने देखा, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग ऐसा है कि इसके पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक केंद्रीय मंत्री के रूप में दायित्व निभाने के लिए एक मौका दिया। उसी समय पे आप लोगों को मालूम है, जो स्किल डेवलपमेंट विभाग की मुझे दायित्व सौंपे गए थे, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की, तो उसी समय से मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गहरा चिंता ही व्यक्त किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कैसे उसको मजबूत कदम उठाया जाए, इसके बारे में उन्होंने चिंता किया और निर्णय लिया। आप सबको मालूम है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के सिलसिले में आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट दौरा करने के लिए निर्देश जारी किया। सिर्फ दौरा करने के लिए नहीं, एक दिन रिव्यू ले रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसी काल पे उन्होंने ये जानने के लिए कोशिश किया आप लोग नॉर्थ ईस्ट गए क्या क्या किया। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चला कि हम लोग केंद्रीय मंत्रीगण गए और वहां सरसा करके वापस आए, तो अपने चिंता व्यक्त की, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को ही रहना होगा और उसी हर प्रदेश के जनता का साथ बात करना होगा, और अपने विभाग की अलग अलग कार्यक्रम कैसे रुका हुआ है, कितना कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितना काम बाकी है, इन विषय पर आप लोगों को मजबूत कदम उठाना होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे इतना डिवोटेड डेडिकेटेड चिंता और इनिशिएटिव, एक व्यक्ति का हृदय में जब भक्ति भावना होता है एक समाज के लिए, जो उनकी हृदय में निष्ठा होती है, तब जाके ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ केंद्रीय सरकार की हर विभाग की वरिष्ठ अधिकारीगणों को कहा गया है, आप भी जाइए, सारे विषय को समझिए और नॉर्थ ईस्ट के विकास का गति बढ़ाइए। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट ने पिछले 7 साल के अंदर जो परिवर्तन का चेहरा देखा, जो परिवर्तन का माहौल उन्होंने देखा, और हर
प्रदेश को इस परिवर्तन की वजह से जो उनको नई रोशनी दिखाई दी, नई उमंग लोगों का मन में पैदा हुई और पिछले दिनों में जो काम हुआ है, विशेष रूप से मोदी जी हमेशा मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए पहला कंडीशन है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इसलिए उन्होंने हर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का, कम्युनिकेशन बढ़ाने का काम किया और इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का किसी भी प्रांत पर आप आराम से जा सकते हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल जी ने आपने जिक्र किया, उल्लेख किया है, टूरिज्म, फुटबॉल इत्यादि इत्यादि, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन आज टूरिज्म सेक्टर जबरदस्त बढ़ रहा है। आप किसी को भी पूछिए, आप भी आइए, मैं मिजोरम होके आया, दैट हिल स्टेट, ब्यूटीफुली डेवलप हिल स्टेट, उनकी कनेक्टिविटी, और किसी ने भी ये जीवन में सोचा नहीं था, वन ऑफ द टॉलेस्ट कैपिटल इन द कंट्री दैट इज आइजोल, वहां तक रेलवे लाइन का व्यवस्था हो सकता है, ये मोदी जी ने संभव किया है। मैं तो देखकर, मैं भी खुद बहुत दिन का बाद गए तो मैं भी सोच रहा था, माय गॉड, इतना हाई एल्टीट्यूड में रेलवे लाइन बन रहा है, वहां टनल का खुदाई हो रहा है, तो ये कमिटमेंट है, देश के लिए कमिटमेंट, जनता के लिए कमिटमेंट और हृदय में जो बसे हुए भक्ति भावना का नमूना। तो इसलिए मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के सिलसिले में आप लोगों ने बताया, जब मैं चीफ मिनिस्टर रहे 2018 में, हमारे देश के अलग अलग बड़े बड़े स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट समिट कभी नहीं हुई, और हम लोगों का यही मानना था, यहां लोगों की अलग अलग प्रांत में जो लोगों का सोच है, परसेप्शन है, यहां हमेशा खून खराबा होता है, किडनैपिंग होता है, बॉम्ब्लास होता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मन में वो साहस थे नहीं। जब एक दिन मैं आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा, आपके गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में, अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग समय पे इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो हम भी करना चाहते। मोदी जी ने कहा आगे बढ़ो, तो दिल में घबराहट थे, मैं बुलाऊं अगर कोई बिजनेस में नहीं आएगा तो मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यू गो फॉरवर्ड, वी आर विथ यू। तो हम लोगों ने 2018 में 3rd and 4th February एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दो दिन का हम लोगों ने ये समिट आयोजन किया था, तो उसी समय पे देश का बड़े बड़े हस्ती उद्योग जगत के और अलग अलग देश के 22 प्रतिनिधि, 22 देशों का प्रतिनिधि ने भाग लिया, स्वयं मोदी जी रहे और हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेतागणों को उन्होंने निर्देश जारी किया, सबको रहना सही है। तो आप उसी काल में कुल मिला के 269 MOU प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स का साथ हम लोगों का समझौता हुआ, उसका वैल्यू था 79,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस। तो हमारे काल में ही 60,000 करोड़ हैव बीन लैंडेड ऑन द ग्राउंड। नुमलीगढ़ रिफाइनरी, पहले उनका उत्पादन शक्ति थे 3 मिलियन टन पर एनम, और मोदी जी ने उसको बढ़ा के बाय इन्वेस्टिंग मोर देन 29,000 करोड़ उन्होंने फ्रॉम 3 मिलियन टू 9 मिलियन तक करा दिया। ऐसे ही बंगाईगांव रिफाइनरी का पहले उत्पादन शक्ति थे 2.5 मिलियन टन और इसी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करके उसको 2.5 मिलियन टन से 5 मिलियन टन तक उन्होंने उसको एनहांस करने का कदम उठाया। तो इसी हिसाब से आप ब्रह्मपुत्र में आप देखिए, पहले पुल बनाने के सिलसिले में 16 साल लगते थे, एक एक पुल, अधिकतर पुल पहले यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसका पहले इतिहास बन गए, लोग तो भूल गए, ये पुल में कभी हम लोगों को आने जाने का मौका मिलेगा नहीं। लेकिन मोदी जी ने हर विषय को अधिक गंभीर रूप से लिया और उन्होंने अपने विभाग की अलग अलग अधिकारियों को
और केंद्रीय मंत्रिमंडल की हमारे विभाग की मंत्रियों को उन्होंने आदेश जारी किया और बाद में हमारे देश की सबसे लंबे जो पुल रेल काम रोड बोगीबिल ब्रिज मोदी जी की मेहनत के वजह से उनकी सहयोग और आशीर्वाद के वजह से कंप्लीट हुआ हमारे कार्यकाल में और साथ साथ में ढला सदिया जिसका कनेक्टिविटी के वजह से अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड सभी प्रदेशों का बहुत लाभ होता है। तो 7.5 किलोमीटर के लंबे ये पुल भी मोदी जी की मेहनत के वजह से कंप्लीट हुआ और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र के ऊपर नया 5 पुल बनाने का काम शुरू हुआ है और साथ साथ में एम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश सारे आप 8 प्रदेश में देखिए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के सिलसिले में क्या परिवर्तन लाया है पिछले 7 साल के अंदर। मैं इस विषय पर अगर आपको विवरण देने लगूं तो मुझे 3-4 घंटा लगेगी। एक दिन एक सभा की मैं अनुभव बता रहा हूं। गुवाहाटी में एक सभा हुआ था, मैं भी मंच पे बैठा हुआ था परम आदरणीय प्रधानमंत्री का दाहिने में। तो एक हमारे सज्जन भाषण दे रहे थे तो दूर में एक पेड़ देखा, पेड़ फूलों से भरा हुआ था। मोदी जी ने सवाल किया, ये पेड़ का नाम क्या है? मैंने देखा ये कृष्णसूरा है। अच्छा, ऐसे ही फूल होता है? हाँ ऐसे होता है। तुम एक काम करो, सारा आसाम में ऐसा पेड़ लगाने का काम करो, अगर 2 महीना फूल होता है तो टूरिज्म का पोटेंशियलिटी बढ़ेगा, देश और दुनिया की टूरिस्ट इस नजरिया को देखने के लिए आएगा। तो मोदी जी की दिए हुए शक्ति और उनकी जगाए हुए अनुभव से मैं बोलने से ठीक नहीं होगा, हमने असम के जनता और देश के जनता की सहयोग के वजह से कुल मिलाकर फल फूल औषधि, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहा करते हैं पार्लियामेंट में, उनके मीडियम भाषण में भी ये बोले थे कि नॉर्थ ईस्ट में जो जैविक शक्ति प्रकृतियों में शक्ति संपदा और शक्ति बसा हुआ है इनको सुरक्षित करना होगा और देश की एक जैविक केंद्र बिंदु के हिसाब से प्रतिष्ठा करना होगा। तो उसी नीति के आधारित हम लोगों ने तय किया फल फूल औषधि, यानी कि फल ट्रेडिशनल जो फ्रूट होता है, फूल और औषधि, ऐसे ही कुल मिला के हमने लक्ष्य तय किया। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि कुल मिला के आसाम की जनता के सहयोग से हम 10 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 करोड़ पेड़ लगाने का हमने निर्णय किया और हमारे कार्यकाल में 9 करोड़ 50 लाख हमने पेड़ लगाया। यह मोदी जी का अनुप्रेरणा है, उनकी दिए हुए शक्ति है, यही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी असली पहचान यही है जो प्रकृतियों से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का आशीर्वाद का फल है और हमारी जनता का तपस्या का फल है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने अपने 7 साल के अंदर जितना तक सहयोग किया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और सब देश की जनता नॉर्थ ईस्ट को देखने लगा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मोदी जी ने देश और विदेश के धरती में जितना गुणगान किया है, जितना प्रमोट किया है, इसके वजह से आज दुनिया नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनके मन में जो उनकी सोच, उनकी सारे परसेप्शन बदला है, इसके पीछे मोदी जी है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के सिलसिले में अभी भी आप अनुमान नहीं कर सकते। मैं 2014 में लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं सांसद थी, उसी काल में जुलाई तक रिमोटेस्ट जब पासीघाट का पास में जो स्टेशन आखिरी स्टेशन है रेलवे का, एक भी ट्रेन नहीं चलता था। मोदी जी को एक दिन मैंने जब उल्लेख किया जे इस विषय पर लोगों का काफी दिक्कत हुआ है, अधिकतर अरुणाचल असम के लोग इस ट्रेन लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके व्यापार हो, उनकी शिक्षा हो, उनका संस्कृति हो, उनका टूरिज्म हो, उनकी डोर वर्क का रूटी हो, इसी ट्रेन लाइन से अगर ट्रेन चला करे तो कल उनके लिए सुविधा होंगे। तो मोदी जी ने एक नहीं, दो नहीं, 10 ट्रेन उन्होंने चलाने का काम किया।
और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार के लिए डाबलीगढ़ अब रेलवे ट्रैक, पहले सिंगल ट्रैक हुआ करते थे, गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन, किसी स्टेशन में किसी पैसेंजर ट्रेन को इंतजार करना पड़ता था, गुड्स ट्रेन जा रहा है उसके लिए जगह खाली करो। तो उसी हालत को बदल के डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक बनाने का काम मोदी जी ने शुरू किया और कंप्लीट हुआ अधिकतर जगह में। और इलेक्ट्रिफिकेशन, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसका जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का, कभी भी उन्होंने दृश्य नहीं देखा था। जब बाहर आता था घूमने के लिए तब मुगल सराय से शुरू होता था, तो उनकी भी हमेशा मन में उम्मीद थी, और आपके सरकार के कार्यकाल में बोलते बोलते थक गए। क्या बोले, मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, बोलते बोलते थक गए। तो क्या बोले, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग जब भी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बोलना सही है, सबका अधिकार है कि नहीं, लेकिन जो हकीकत है उनको भी आप लोग उपलब्धि कीजिए। मोदी जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो रेलवे ट्रैक का, इसका काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए अभी तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगा है असम के अलग अलग प्रांतों पर। आप त्रिपुरा हो, आप मिजोरम हो, अलग अलग प्रांतों में आज रेलवे कंस्ट्रक्शन अभी जिस हिसाब से शुरू हो रहा है, जैसे अगरतला से सिलचर होके गुवाहाटी, अलग अलग देश की डेस्टिनेशन के लिए आप रेलवे का आना जाना शुरू हो गया है। इसके वजह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी जो टूरिस्ट का गतिविधियां, हमारे विद्यार्थियों का गतिविधियां, हमारे किसानों का उम्मीद, सबको पकड़ लिया है। अभी पीछे नहीं रहेगा नॉर्थ ईस्ट। मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते रहिए, मोदी जी ने क्या दायित्व दिया है मालूम है आपको? नॉर्थ ईस्ट टनल को बोला है एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट शिप नहीं, न्यू इंजिन फॉर इंडिया ग्रोथ, देश की आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट को बड़े भूमिका निभानी होंगे, न्यू इंजिन का भूमिका निभानी होंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट टनल इस विषय के लिए प्रस्तुत है, तैयार है, क्योंकि मोदी जी जैसा काबिल, ईमानदार, निष्ठावान, कमर्थ अगर नेता जब देशवासी को मिल जाए तो देशवासी कभी पीछे देखेगा नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, यह निश्चित है। तो इसलिए प्लीज माननीय सभापति महोदय, देखिए मुझे तो बोलने दीजिए, मैं आप लोगों को सबको प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण दे रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा दिल में भेदभावना नहीं है। आप लोग देखिए, जो हकीकत है उसको आप मानिए ना, स्वीकार कीजिए, फैक्ट और फिगर के जो फैक्ट ऑफ हैपनिंग दैट शुड बी एक्सेप्टेड, दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यस दैट इज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप तो खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में काम करते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप भी जिंदा रखिए, यस दिखाइए। तो मैं समय बहुत ले लिया क्या? चलो जी, आज समय है आपको। हाँ तो ठीक है, आज समय है, वो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, कि हमारे आप जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी को पहले मेडिकल इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में कभी उनको चिंतित होते थे, तो पिछली यूपीए हो अगली, पिछली दिनों के बाद मैं बोल रहा हूं, 7 साल के अंदर असम के अंदर सिर्फ डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, बरपेटा, तेजपुर, यही सीमित थे मेडिकल कॉलेज। और मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट टनल को, सारे नॉर्थ ईस्ट को इस विषय पर फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे स्टूडेंट को शक्ति देने के लिए 8 मेडिकल नया कॉलेज प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने सहयोग किया, 8 ओनली इन असम एंड विथ एम्स एट गुवाहाटी। और क्या सही है, और आयुर्वेदिक कॉलेज हो हमारे अलग अलग प्रदेश में, सारे 1000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, 50 बेडेड हॉस्पिटल, 30 बेडेड हॉस्पिटल, 10 बेडेड हॉस्पिटल, हर्बल सेंटर। और आज इस सदन को इस बात
को जानकर खुशी होंगे, इतना साल तक आप लोगों ने जो कर नहीं पाया, बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड आपने खुल नहीं पाया, लेकिन मोदी जी ने जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन्होंने बांग्लादेश सरकार का साथ समझौता किया। लेट मी प्लीज, बांग्लादेश सरकार का साथ समझौता किया और पिछले 5 फरवरी को पटना से हम लोगों ने, हमारे परमादरणीय पीयूष गोयल जी अभी नहीं है, पीयूष गोयल जी का सहयोग से, बांग्लादेश सरकार के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके भीषण से, उनके सहयोग से, पटना से हम लोगों ने 2350 किलोमीटर पांडू तक 180 मेट्रिक टन का फूड ग्रेन हम लोगों ने कार्गो वेसल में भेजा। और नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश हो गए, आप गुवाहाटी में 6 तारीख को पहुंच गए, और साथ साथ में हल्दिया पोर्ट से टाटा स्टील पहली बार के लिए 2000 मेट्रिक टन की स्टील हल्दिया पोर्ट से बांग्लादेश होके गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वापस आने में और 2000 मेट्रिक टन का कोयला लाने का काम किया है। तो इसलिए ये पहली बार के लिए जलमार्ग विकास दिखाई दिया है, नेशनल वाटरवेज 1 माँ गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 पिता ब्रह्मपुत्र का अब जैसे सहयोग हुआ, संयोग हुआ, इससे अगले दिनों में हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, यह निश्चित है। यह मोदी जी के लिए संभव हुआ है। सब लोगों ने इतना दिन तक हमेशा सड़क के बारे में, रेलवे के बारे में वो सीमित थे, अपने गुड्स को यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द नेशन हमारे बिजनेस को अपने एक्सचेंज के सिलसिले में वो सीमित थे, लेकिन अब इनलैंड वाटरवेज डेवलप होने के नाते, उनको ऑपरेशनल होने के नाते, ये हमारा सारे नॉर्थ ईस्ट और पड़ोसी देश म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सारे इलाका में जो अभी परिवर्तन लाएगा, और इससे सब लोगों को विन विन सिचुएशन होगा, और हमारे किसानों को विशेष रूप से मनोबल मिलेगा, हमारे युवा को इसमें रोजगार मिलेगा। सो दिस इज द यूनिक आई थिंक अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट इट। इसलिए मैं सिर्फ इस विषय का, इस विभाग का मंत्री हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत बोल रहा हूँ। उस दिन जब पटना से हमने शुरू किया, हमारे बिहार सरकार, बिहार के 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, हमारे भूतपूर्व 2 केंद्रीय मंत्री, और हमारे बिहार सरकार की हमारे कैबिनेट मंत्री, और 2-3 हमारे परम आदरणीय विधायकगण सबके उपस्थिति में, और पटना की मेयर सबके उपस्थिति में हम लोगों ने इसको फ्लैग अप किया था। तो हमने रिसीव जब किया गुवाहाटी में, हमारे असम प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और बाकी हमारे सारे अधिकारी के उपस्थित, सांसद के उपस्थित में हमने उसको स्वागत किया। इसका मतलब साफ है, नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिश के जमाने में आप लोगों को मालूम है, हमारे उसी समय में सड़क व्यवस्था थे नहीं, रेलवे व्यवस्था थे नहीं, इसलिए जलमार्ग ही केवल हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे। तो आज उसी को, फिर इतिहास को हमने फिर से रिपीट किया परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके सहयोग की वजह से। तो इसलिए इतना तक परिवर्तन हुआ है। इंडस्ट्री में देखिए आप, अभी एमएसएमई सेक्टर में भी हमारे छोटे छोटे, और स्टार्टअप में भी हमारे यूथ जैसे आगे आया है, और स्टार्टअप के जरिए उन्होंने अपने उत्पादित जो अलग अलग सामग्री जो है, कमोडिटी है, उसको वैल्यू एडेड करके देश और विदेश में मार्केट बनाने में सफलता प्राप्त किया है। तो नॉर्थ ईस्ट अभी पीछे नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट इसलिए नहीं रहा, मोदी जी ने बहुत बहुत ज्यादा उसको ध्यान दिया, आदर किया, स्नेह किया, प्रमोट किया। और एक बात कहना होगा, एक साल में सुन लो, विशिष्ट व्यक्ति को पद्म अवार्ड दे के मोदी जी ने सारे नॉर्थ ईस्ट को कोटि कोटि प्रणाम दिया, और हमारे दिल के धड़कन, देश की आवाज सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को देश की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उन्होंने दिया है पोस्टमास। तो इतना तक नॉर्थ ईस्ट को इज्जत देने वाला हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कितना बोलूं, बोलते बोलते
शायद आप लोगों को कान में कभी डर्ट होगा सुनते सुनते, आप धीरज रखिए, बोलना होगा, बोलना होगा, सुनना भी होगा, सुनना भी होगा, सुनने के लिए सहन शक्ति बढ़ाइए और इसके लिए योगा कीजिए, योगा का बिना सहन शक्ति बढ़ता नहीं, तन मन आत्माओं को जोड़िए। तो मुझे लगता है कि आपस हमारे चाहिए तो योगा टीचर भेज देंगे, हम भेज देंगे मान्य हमारे 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 असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिछले 7 साल में जो शांति वापस आया है, शांति अभी शांति होने के नाते प्रगति संभव हुआ है और इस शांति व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, संभव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत मजबूत कदम उठाए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को साथ लिया, विश्वास में लिया। इसके वजह से आज सारा नॉर्थ ईस्ट शांति बसा हुआ है, कोई खून खराबी नहीं। इसके वजह से आज इन्वेस्टर का साहस दुगुना हो गया है, सब नॉर्थ ईस्ट में जाके इन्वेस्ट करने के लिए आज मनोबल बढ़ाया है। तो ये शांति व्यवस्था, सुरक्षा और प्रगति विकास, ये तीनों को जोड़ने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके लिए मैं इस सदन से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि मेरा प्रणाम और दिल के गहराई से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो हकीकत है इसी को बोल रहा हूं, मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं चाहता हूं आज आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको भी मेहनत करना होगा, हमको भी मेहनत करना होगा, दोनों पक्ष को साथ मिलकर मेहनत करना होगा। तो इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी नीति का आधारित आप सब शामिल हो जाइए। इसी शब्दों से मैं फिर से सभापति महोदय का धन्यवाद देते हुए भाषण को विराम देता हूं।